हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पेडागोजी स्पेशल क्लासेस में हम ट्वेल्थ क्लास का सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं जी, एनसीईआरटी साइकोलॉजी का। उसमें हमारा सिक्स्थ पार्ट है ये। हमने पहले किस किस की बात कर ली, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ की बात की थी, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी की बात की थी, टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच और उन सब की बात की थी। तो आज हम उन्हीं टाइप ट्रेट के बाद साइकोडायनेमिक अप्रोच की जो है वो बात करेंगे। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये DSSS भी और ये इनफैक्ट 11th 12th की एनसीईआरटी साइकोलॉजी तो सारी जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो देखिएगा इसको। साइकोडायनेमिक अप्रोच, तो जब भी साइकोडायनेमिक अप्रोच की बात होगी या साइकोसेक्सुअल अप्रोच की बात होगी तो सिगमंड फ्रॉयड जो है वो लार्जली उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो उनका कंट्रीब्यूशन जो है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें सिगमंड फ्रॉयड के बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। लर्निंग थियोरीज जो आप लोगों ने कवर की होंगी मेरे कहने पे, उन लर्निंग थियोरीज जितनी मैंने करा रखी है उसमें सिगमंड फ्रॉयड का जो पोर्शन है उस लेक्चर में मैंने सारी चीज़ें कवर करवा दी थी। मतलब उनकी पर्सनैलिटी, इद ईगो जो है, सुपर ईगो वाला कॉन्सेप्ट, कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस वाला कॉन्सेप्ट, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस बुक में मैंशन है सिगमंड फ्रॉयड के नाम के नीचे, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो इनका पोर्शन या इन्होंने जो जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, चूंकि वो एक फिजिशियन थे तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने ये थियरी को जो है वो डेवलप किया था। स्टार्टिंग में जो उनका करियर का स्टार्टिंग पॉइंट था उसमें उन्होंने हिप्नोसिस को इस्तेमाल किया था, यानी हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके लोगों को ट्रीट किया था, फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स के, मतलब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताया था उन्होंने हिप्नोसिस के थ्रू। हिप्नोसिस बाहर के देशों में जो है वो लीगल है, वहां पे आप कर सकते हैं किसी पेशेंट की या किसी की हेल्प करने के लिए। ओके, ही नोटेड दैट मैनी ऑफ हिज पेशेंट्स नीडेड टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, तो उसने अल्टीमेटली ये नोट किया, जैसे आजकल हम बात करते हैं ना शेयर करना चाहिए, चाहे फ्रेंड से कर लो, किसी से भी कर लो। स्पेसिफिकली कोरोना के बाद जब मेंटल हेल्थ इश्यू हमारे सामने आता है तो हम हमेशा बोलते हैं कि शेयर करनी चाहिए चीजें, तो इन्होंने भी वही चीज नोट की कि पेशेंट्स जो हैं उनको जरूरत है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने की। ओके, बात करने के बाद वो अच्छा फील करते हैं। सो फ्रॉयड ने यूज किया फ्री एसोसिएशन, यानी आप ओपनली, इन्होंने ये मेथड्स यूज किए। फ्री एसोसिएशन मेथड में क्या होगा, एक पर्सन जो है वो ओपनली शेयर कर सकता है अपने थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज, जो भी उसके मन में चल रहा है वो सारी चीजें। ड्रीम एनालिसिस में कि आपको आज रात को कोई ड्रीम आया तो वो क्यों आया, मतलब वो होता है ना कुछ तो अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा होगा, सो वो अनकॉन्शियस की वजह से या किस वजह से आया, तो आप फिर उसके लिंक्स ढूंढना शुरू करते हो ड्रीम को एनालाइज करना या एरर्स को एनालाइज करना आपकी फंक्शनिंग, माइंड की फंक्शनिंग को समझने के लिए। तो ये कुछ एक तरीके उन्होंने इनिशियली यूज किए। अगर उन्हीं के बेसिस पे हम देखें तो इन्होंने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसको तीन भागों में डिवाइड किया। ओके, किस किस में, पहला है कॉन्शियस, दूसरा है प्री कॉन्शियस और तीसरा है अनकॉन्शियस। सो कॉन्शियस क्या होगा, जिसमें आपकी जो थॉट हैं, फीलिंग हैं या फिर एक्शंस हैं उनसे आप अवेयर हैं, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, मैं कॉन्शियसली आप लोगों को पढ़ा रही हूं, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूं, राइट। सेकेंड रहेगा प्री कॉन्शियस, विच इंक्लूड्स मेंटल एक्टिविटी ऑफ विच पीपल मे बिकम अवेयर ओनली इफ दे अटेंड टू इट क्लोजली। सो मतलब आप तभी चीजों को जान सकते हैं मेंटल एक्टिविटी के दौरान जब आप चीजों को करते हैं, सो वो मेंटल एक्टिविटी अगर आप क्लोजली अटेंड कर रहे हैं तो आप अवेयर हो सकते हैं कुछ चीजों के लिए। अनकॉन्शियस रहेगा जिसमें आप जो है, इसमें वो मेंटल एक्टिविटीज होंगी जिसमें पीपल जो है वो अनअवेयर है उन चीजों के बारे में। सो कॉन्शियसनेस में आप अवेयर हैं, प्री कॉन्शियसनेस में आप क्लोजली जब आप अटेंड करते हैं चीजों को तभी अवेयर हो पाते हैं, और अनकॉन्शियसनेस में आप अनअवेयर हैं चीजों को लेकर। ओके, सो फ्रॉयड के अकॉर्डिंग जो अनकॉन्शियसनेस है, यानी अनकॉन्शियस, वो एक रिजर्वायर है किसका, इंस्टिंक्टिव या फिर एनिमल ड्राइव्स का, मतलब आपको अंदर से जो किक मिलती है, ड्राइव मिलती है, वो किस वजह से, अनकॉन्शियस माइंड की वजह से। इसी के अंदर हमारे सारे के सारे आइडियाज, हमारी विशेज, हम क्या करना चाह रहे हैं, वो सारे होते हैं फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस परहैप्स बिकॉज दे लीड टू साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आप जो है, मतलब अनकॉन्शियसनेस में ही हमारे सारे आइडियाज और विशेज होते हैं, कॉन्शियसनेस में हम चीजों से रिलेटेड अवेयर होते हैं, अनकॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं। जितने भी जो चीजें, जैसे सेक्सुअल डिजायर है, ठीक है, आप एक्सपोज नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको ओपनली, ठीक है, आप उसको रिप्रेस करके रखते हो तो वो अनकॉन्शियस में रहती है कंपैरेटिवली। ओके, तो वो जब तरीके आपकी जो अनकॉन्शियस इंपल्सेस हैं उनको एक्सप्रेस करने के, जब आप सोशली एक्सेप्टेबल तरीके ढूंढ लेते हैं
तब आप जो है उस चीज को एक्सप्रेस कर पाते हैं इजीली। तो जो अनसक्सेसफुल रिजोल्यूशन होता है, किसका जो कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर उठा है, उसकी वजह से ही एक अबनॉर्मल बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। जो भी एनालिसिस होता है, जैसे फॉरगेटिंग का या मिसप्रोनंसिएशन का, जोक्स का या ड्रीम्स का, तो वो सारी चीजें किस वजह से आती है हमारे दिमाग में, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली या हमने सप्रेस कर दिया है उन चीजों को। ओके, तो वो फिर एक तरीका ढूंढती है बाहर निकलने का। तो फ्रूइड ने डेवलप किया एक थेरेप्यूटिक प्रोसीजर जिसको साइको एनालिसिस बोल रहे हैं, यानी साइकोलॉजिकली आप क्या सोच रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, उनको बाहर निकालना। ओके, तो बेसिक गोल क्या है ये साइको एनालिटिक थेरेपी का, इज टू ब्रिंग द रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस मटीरियल टू कॉन्शियसनेस, मतलब जिससे आप अनअवेयर हैं उस चीज से आपको अवेयर करवाना, जो आपके अंदर रिप्रेस्ड थी चीजें आप उनको बाहर निकलवा रहे हैं, उसमें कोशिश करना। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके अपने बारे में चीजें पता चलेंगी, आप ज्यादा सेल्फ अवेयर रहेंगे इंटीग्रेटेड मैनर में। एक इनकी स्ट्रक्चरल और या स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी बोल देते हैं इसको, स्ट्रक्चरल या साइकोएनालिटिकल थ्योरी है पर्सनालिटी की, जिसमें ये इद, ईगो और सुपर ईगो, इन तीनों की बात करते हैं, जो मैंने आपको सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी जब कराई थी सारा करवा रखा है। ओके, सो इद में क्या रहेगा, प्लेजर प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्लेजर प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, या रियलिटी प्रिंसिपल, ये मोरालिटी या आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल, तो नाम से ही पता चल रहा है प्लेजर प्रिंसिपल इज लाइक जो मेरा मन करेगा वो मैं करूं। मोरालिटी वाला क्या है, ये बोलते हैं नहीं नहीं जो मन करे वो नहीं कर सकते, आपका मन कर रहा है किसी का मर्डर करने का, दैट डजंट मीन ना आप कर दो, राइट। सो मोरालिटी वाले क्या कहेगा, नहीं भाई जो सही है वही करना है, कंप्लीटली अवेयर हैं आप इस चीज में, कॉन्शियस हैं, लेकिन इसमें क्या रहेगा आपका, आप अवेयर नहीं है, टोटली अनकॉन्शियस हैं। ओके, देन ईगो जो है वो क्या है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है। कब ये डेवलप होते हैं, ये लिबिडो जो सेक्स ड्राइव होती है वो इन्फेंट में भी प्रेजेंट होती है, बचपन से ही प्रेजेंट होता है ईद जो है आपका। ईगो जो है वो पार्टली कॉन्शियस रहेगा और पहले 3 साल जो बच्चा रहेगा उस टाइम पे डेवलप होना शुरू होगा, और ये जो है 5 साल तक डेवलप हो जाएगा आपका सुपर ईगो। मतलब 5-6 साल के बच्चे का एटलीस्ट इतना आइडिया होता है कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करना, मम्मा डांटेगी, ठीक है। सो ये बर्थ से ही प्रेजेंट रहेगा, अनकॉन्शियस रहेगा, ये कॉन्शियस रहेगा, और इसी में डिफेंस मैकेनिज्म्स भी आ जाते हैं जो मैंने आपको करवा रखे हैं। सो मेक श्योर आप सिगमंड फ्रॉयड वाली जो थियरी है उसको देख लें, उस लेक्चर को। दूसरी चीज जो याद रखनी है वो है 2 बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स, एक तो ईरोस एंड थानेटोस। अच्छा ये बताइएगा मुझे, ये तो आप लोगों ने कई बार मैंने करवा भी रखा है थियरीज में भी, ईरोस या थानेटोस का क्या मतलब है, ठीक है। और ए मोरल रहेगा, ये ज्यादा ये सबसे ज्यादा मोरालिटी सुपर ईगो में देखने को हमें मिलेगी। देन है, अच्छा एक और चीज भी पूछ ली जाती है कि ईगो में जो सेल्फ ये जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, तो वो अनकॉन्शियसली होते हैं पहली बात, और वो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं, ये बात याद रखिएगा। ओके, देन स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी, स्टेजेस में भी इन्होंने 5 थियरी जो 5 स्टेज थियरी है साइकोसेक्सुअल थियरी उसके बारे में बात की है, ये भी मैंने आपको पहले करवा रखी है। इसमें ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी और जेनाइटल स्टेज, ब्रैकेट में इनकी एज लिखी हुई है कि 0 से 1.5 साल, 1.5 से 3 साल, 3 से 6, 6 से 12 और 12 से ऊपर। इनकी कुछ एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कि ये मैंने ऑलरेडी करवा रखी है तो मैं थोड़ा स्पीड में चलती हूँ, और जिन बच्चों को मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगती है वो ऊपर जो है 3 बटन होंगे ऐसे डॉट 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 इस तरीके से उनके ऊपर, इतने तो आप टेक्नोलॉजी प्रो होंगे ही थोड़ा बहुत, तो कि इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप स्पीड का जो ऑप्शन आएगा ना जिसमें नॉर्मल लिखा होता है, तो उस स्पीड को आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ इंक्रीज करना, डिक्रीज कर लीजिएगा। ओके, सो मेन फोकस है जी इसमें प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल, जैसे मुंह में बच्चा जो है वो अंगूठा ले लेगा, या ओरल स्टिमुलस जो है वो यहाँ पे ज्यादा क्रूशियल होते हैं। कई बार ये होता है कि अगर इन चीजों को फिक्स नहीं किया जाए तो वो आदत लंबे टाइम तक चलती है, किसी को थंब सकिंग की आदत लग जाती है, किसी को नेल बाइटिंग की या ओवर ईटिंग की, तो वो आदत जो है वो बाद में बड़े होने पर भी लगी रहती है। ओके, देन है एनल स्टेज जो है उसमें क्या रहेगा, प्लेजर सीकिंग सेंटर्स, इसमें बाउल्स और ब्लैडर रहेंगे, हेल्दी टॉयलेट ट्रेनिंग हैबिट्स बच्चे को यहां डाल देनी चाहिए, अगर नहीं डाल पाते हैं तो या तो एनल रिटेंशन हो जाएगा, मतलब आप ओवरली नीट या ऑर्डरली, जैसे वो ओसीडी होता है ना किसी को, ओवर क्लीनलीनेस डिसऑर्डर, तो वो वाली चीज हो जाएगी, या फिर एनल एक्सपल्सिव हो जाएगा जिसमें आप डिसऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, मैसी रहेंगे, डिस्ट्रक्टिव रहेंगे, यानी वो क्लीनलीनेस वाले से एग्जैक्ट उल्टा। ओके, तो ये 2 जो है एनल रिटेंशन और एनल एक्सपल्सिव का मतलब आपको पता होना चाहिए। फिर फेलिक स्टेज में क्या रहेगा, फेलिक स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेक्सुअल अट्रैक्शन, और
ये हेल्दी सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा में गर्ल्स का अपने फादर की तरफ जो है वो अट्रैक्शन रहेगा और ओडिपस में बॉयज का मदर की तरफ। सो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रा या ओडिपस का मतलब क्या है। ओके, लेटेंसी स्टेज, फिर 6 से 12 तक की स्टेज ऐसे आते हैं जिसमें ये सेक्सुअल एक्टिविटीज आपको मतलब रिप्रेस हो जाएंगी, चीजें लेटेंट स्टेज में चली जाएंगी, इसीलिए इसको लेटेंसी बोल रहे हैं। और सोशल स्किल्स, फैमिली के साथ इंटरेक्शन, वो सारी स्किल जो है वो बाहर निकलना शुरू होंगी। ओके, जेनाइटल स्टेज में सारे के सारे जो अबव 4 टास्क हमने पढ़े, 4 स्टेजेस पढ़ी, वो सारी मर्ज हो जाएंगी, माइंड को अलाउ करेंगी हेल्दी सेक्सुअल फीलिंग और बिहेवियर के लिए। तो ये 5 स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए, इनके एजेस पता होने चाहिए, कौन सी एज में कौन सी स्टेज चल रही है, और उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए। अब जो ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, इससे क्वेश्चन आ जाता है कि ओडिपस में मतलब किस में गर्ल का फादर के प्रति, या मतलब कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ओके, सो ये मेल चाइल्ड के लिए होता है ओडिपस, जैसे बॉय, ठीक है, तो बॉय है ना, तो बॉय में ओ आ गया तो ओडिपस, ठीक है, बस इतना याद रखिए अगर कंफ्यूज भी हो जाए तो। सो मेल चाइल्ड का एक्सपीरियंस रहेगा ये, मेल चाइल्ड का अपनी मदर के प्रति। ओके, तो ये एक ओडिपस कौन थे, एक किंग थे, ग्रीक किंग, ये स्टोरी है यहाँ पे, आई डोंट नो ये सच है नहीं है, मुझे नहीं पता, बट ये बुक में मेंशन है तो होगा, ठीक है। तो ओडिपस में ओडिपस जो है ग्रीक किंग थे, राजा थे, और उन्होंने अननोइंगली अपने पापा को जो है वो मार दिया था अपनी मम्मी से शादी करने के लिए, क्योंकि वो मम्मी की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे थे। ओके, सो मेजर डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे अचीवमेंट क्या देखने को मिली, यहाँ से ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स यहाँ से निकल के आया, यानी कि उन्होंने मतलब दिस टेक्स प्लेस बाय एक्सेप्टिंग हिज फादर्स रिलेशनशिप विद हिज मदर एंड मॉडलिंग हिज ओन बिहेवियर आफ्टर हिज फादर। तो वो मॉडल करना, चेंज करना, मतलब आज कल थोड़ी ना हर कोई अपने पेरेंट्स को मारता घूमेगा, बट ये स्टोरी वहां पे घटित हुई थी। तो मदर के प्रति बच्चे का, लड़के का लगाव होना ओडिपस कॉम्प्लेक्स, अगर लड़की का फादर के प्रति हो रहा है तो वो क्या है जी, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो फॉर गर्ल्स ओडिपस नहीं, इलेक्ट्रा है जी ये, ठीक है, इलेक्ट्रा कॉल्ड द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आफ्टर इलेक्ट्रा अ ग्रीक कैरेक्टर। ये अगेन एक ग्रीक कैरेक्टर है जिन्होंने इंड्यूस किया था अपने भाई को कि वो अपनी मम्मी को मार दे। तो अगर मम्मी मर जाएगी तो वो जो है किसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाएगी, लड़की के पास चांस बचेगा कि वो अपने पापा के साथ जो है वो अटैच हो पाए। ओके, यानी सिम्बोलिकली उससे शादी कर पाए, जो कि सही नहीं है, जो बाद में जाके पता चलती है वो सिचुएशन। जब उसने ये रियलाइज किया कि ये नहीं हो सकता, तो उसने अपना बिहेवियर अपनी मदर की तरह थोड़ा थोड़ा कॉपी करना शुरू कर दिया ताकि फादर से उसका अफेक्शन या शेयरिंग जो है वो बढ़ी रहे। ओके, सो हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है कि ओडिपस जो है वो बॉय का मदर के प्रति अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रा मतलब लड़की का अपने पापा की तरफ अट्रैक्शन। ओके, चलिए पोस्ट फ्रूडियन अप्रोच, यानी जो सिगमंड फ्रूड ने चीजें की थी या जो कंट्रीब्यूट किया, जो चीजें बताई, थियरीज दी, उसके बाद बाद जो लोग आए, जिस जो इसकी थियरीज के बाद आए, उनको हम पोस्ट फ्रूड बोल रहे हैं। ओके, फ्रूड के बाद, तो बहुत सारे थियरिस्ट हैं जिन्होंने फ्रूड के आइडियाज को फॉलो अप किया, उनके ऊपर काम किया, तो ये जो थियरिस्ट है इनको हम नियो एनालिटिक या पोस्ट फ्रूडियन बोलते हैं, इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट कि ये फ्रूड से अलग है, फ्रूड के बाद आए हैं ये। ओके, सो ये जो थियरीज है ये कैरेक्टराइज है लेस प्रोमिनेंट रोल्स टू सेक्शुअल एंड अग्रेसिव tendencies of the id and expansion of the concept of ego. तो इन्होंने ego के concept को बढ़ाया, sexual concept के ऊपर जो है Freud को काफी criticism झेलना पड़ा था, इसलिए बाकियों ने जो है वो उस aspect के ऊपर काम ना करके ego वाले concept के ऊपर further काम किया। जो human qualities हैं जैसे creativity, competence, problem solving abilities, उनके ऊपर emphasis इन्होंने किया। अब उन्हीं में से कुछ एक theories हमें करनी है, जैसे Carl Jung। तो Carl Jung ने जो थी मतलब इन्होंने काम किया था Freud के साथ, बाद में Freud से अलग हो गए थे ये, तो इन्होंने देखा कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा गाइडेड रहते हैं, मतलब या तो सेक्स से या फिर एग्रेशन से, तो ये इन दो चीजों से ज्यादा गाइड होते हैं लोग। ओके, सो ही डेवलप्ड हिज ओन थियरी, तो उन्होंने पर्सनालिटी की एक थियरी दी जिसको एनालिटिकल साइकोलॉजी बोल देते हैं हम, ये नाम आपको याद रहना चाहिए। बेसिक अजम्पशन क्या थी इनकी थियरी की, कि पर्सनालिटी जो होती है ना वो कंसिस्ट करती है कंपीटिंग फोर्सेस या स्ट्रक्चर्स आपके अंदर ही, मतलब जो भी चीज आप करना चाह रहे हो वो आपके अंदर है ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि आपके फादर कुछ बोल रहे हैं या सोसाइटी कुछ बोल रही है तब आपको ये चीज करें, वो चीजें ऑलरेडी आपकी पर्सनैलिटी में हैं, जो आपको काम करना है, जो चीजें आपको करनी है, तो आपको बस उसको ढूंढना है, ये इन्होंने बोला। तो जंग ने क्लेम किया कि देयर वाज अ कलेक्टिव अनकॉन्शियस कंसिस्टिंग ऑफ आर्केटाइप्स या प्रिमोर्डियल इमेजेस, दीज आर नॉट इंडिविजुअली एक्वायर्ड, मतलब जो चीजें हैं अनकॉन्शियसली आपके अंदर हैं, ठीक है। आर्केटाइप में एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे भगवान का या मदर अर्थ का, तो आर्केटाइप मतलब एक तरीके से आदर्श,
ठीक है। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में आपकी सारी की सारी चीजें हैं और वो इंडिविजुअली आप एक्वायर नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं कोई स्किल सीख सकती हूँ बट ऑलरेडी चीजें हैं वो अनकॉन्शियसली हैं, ठीक है, आप उनको सीख नहीं सकते, ये इनहेरिट किए जाते हैं फादर मतलब पेरेंट्स से, बच्चे में इनहेरिट होंगी, ये आगे ट्रांसफर होंगी। ओके, सो इससे रिलेटेड जैसे कुछ मिथ्स हैं, मतलब फाउंड इन मिथ्स ड्रीम्स या आर्ट्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, तो ये सारी चीजों में हमें चीजें पता होती हैं ऑलरेडी। ओके, तो जंग ने ये बोला, कार्ल जंग ने, कि जो सेल्फ स्ट्राइव है हमारी यूनिटी या वननेस के लिए, वो ऑलरेडी हमारे अंदर है, जब हम अपने आप को खोज लेंगे ना तो वो सारी चीजें भी हमें मिल जाएंगी। ओके, तो इन्होंने बोला कि यूनिटी को या होलनेस को या एक होने को अचीव करने के लिए इंसान को अपनी विजडम के बारे में, अपने बारे में पर्सनली अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में चीजें हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा, अपने प्रति अवेयर होना पड़ेगा। कैरन हॉर्नी, इन्होंने ऑप्टिमिज्म के ऊपर फोकस किया। ओके, तो ये भी फ्रूड के ही डिसिपल थी। देन जो फ्रूडियन प्रिंसिपल्स हैं उनसे थोड़ा सा डेविएट किया इन्होंने चीजों को, इन्होंने ये अडॉप्ट किया, इन्होंने एक ऑप्टिमिस्टिक या आशावादी व्यू जो है वो संसार के प्रति रखा। इनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था कि फ्रूड का जो ट्रीटमेंट था वुमेन के लिए वो इन्फीरियर था। फ्रूड ने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे वो मेल के ऊपर किए थे, ठीक है, मेल काउंटर पार्ट पे, तो इन्होंने उस चीज के अगेंस्ट जाके चीजों को देखा, उसको चैलेंज किया। इन्होंने ये बोला कि हर एक सेक्स में, मतलब आप बायोलॉजिकली मैन हैं या वुमेन हैं, उससे चीजों पे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उससे इंफीरियर या फिर जो है सुपीरियर फील करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने काउंटर किया कि वुमेन वर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड, कि वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स से नहीं बल्कि सोशल या कल्चरल फैक्टर्स से ज्यादा अफेक्टेड हैं। जैसे होता है ना, मम्मी को ही सारा काम करवाते हैं घर पे, तो मम्मी सारा काम, मतलब अगर मम्मी भी जॉब से घर में आई है तो उसको कोई पानी नहीं पूछेगा, बल्कि उसको ही घर में बैठे पति से या बच्चों से पानी या खाना पूछना पड़ेगा, राइट। सो वो वुमेन जो है वो सोसाइटी में और कल्चरल लेवल पे जो फैक्टर्स है ना उनसे ज्यादा अफेक्ट हो रही है, रादर देन कि वो वुमेन है इसलिए, नहीं, उसमें भी इक्वल कैपेबिलिटीज हैं। तो वो सुपीरियर या इंफीरियर जो है किसी भी सेक्स को देखा नहीं जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला था। इन्होंने फर्दर आर्ग्यू किया कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो किस वजह से हो रही हैं, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो चाइल्डहुड के दौरान जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सही से नहीं चल रहे होते, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि किसी के साथ, मान लो बचपन में किसी बच्चे के साथ कुछ अब्यूज हुआ और वो बहुत गहरा सदमा उसके दिमाग में चला जाए, तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वहां से हो सकता है। ओके, तो जब पेरेंट्स बच्चों के प्रति अपना मतलब एक डिस्करेजिंग बिहेवियर की कुछ नहीं होगा तुमसे, ये कर लो, कैसे जो है कुछ बेचते फिरोगे या काम, मतलब वो बच्चों को डिस्करेज करना, ओके, तो वो उसकी वजह से बच्चे में एक इनसिक्योर फीलिंग आ जाती है और उस फीलिंग को हम यूजुअली बेसिक एंजाइटी रिजल्ट, मतलब बेसिक एंजाइटी में उसका रिजल्ट निकल के आता है कि बेसिक एंजाइटी हो जाती है बच्चे को। ओके, सो वो किस वजह से हो रहा है, सोसाइटी में जो फैक्टर्स हैं उस वजह से हो रहा है। सो ऐसा हो कि एक्सेसिव डोमिनेंस दिखाई गई हो, या मतलब बहुत ना ही दिखाया गया हो, बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया हो, या पूरा का पूरा वो होता है ना किसी बच्चे को बहुत ज्यादा पैम्पर करना, एक वो हो, या किसी को बहुत कम अप्रूवल देना, लिटिल अप्रूवल, सो वो सारी चीजें हैं कि जब आप एक्सट्रीम में बिहेव करते हैं ना बच्चों के साथ तो वो आइसोलेट हो सकते हैं, हेल्पलेस हो सकते हैं, तो वो उनकी जो हेल्दी डेवलपमेंट है उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। इसलिए हम कई बार समझाते भी हैं साइकोलॉजी में कि बच्चों से जो है किस तरीके से डील करना है, वही तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में पढ़ते हैं कि कैसे डील करना है जब आप पढ़ा रहे हैं बीइंग अ टीचर, ठीक है। तो उसमें आपको एक्सट्रीम बिहेवियर्स, नेगेटिव फीलिंग्स, वो सब चीजें हम हमेशा अवॉइड करने को बोलते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए, हमेशा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो, बच्चा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो जानने की कोशिश की जाए। तो ये सब चीजें इन्होंने भी यहां पर कैरन ने बोली। देन है जी एल्फ्रेड एडलर, लाइफस्टाइल और सोशल इंटरेस्ट की इन्होंने बात की। इनकी थियरी को इंडिविजुअल साइकोलॉजी की थियरी भी बोला जाता है। इन्होंने ये बोला कि ईच वन ऑफ अस हैज द कैपेसिटी टू चूज एंड क्रिएट। सो बेसिकली, और ये ह्यूमन बिहेवियर जो है वो पर्पजफुल या गोल डायरेक्टेड होता है, ये इनका बेसिक अजम्पशन था। इन्होंने ये बोला कि हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल जो है वो इनएडिक्वेसी या गिल्ट की भावना से गुजरता है, जिसको हम इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो कि बचपन में ही अराइज हो जाता है। ये मैंने आपको एक अलग से छोटी सी वीडियो है एल्फ्रेड एडलर की, उसमें भी बताया था ये इनफीरियोरिटी। इट्स लाइक अगर तीन बच्चे हैं मान लो, तो छोटा बच्चा, देन मिडिल वाला बच्चा और बड़ा बच्चा, तो उसमें पेरेंट्स का रवैया तीनों के प्रति सेम नहीं होता। बड़े वाले को लगता है कि छोटों को इंपॉर्टेंस मिल रही है, छोटे वाले को लगता है, तो वो किस वजह से क्यों लगता है कि किस किस को इंपॉर्टेंस मिल रही है, क्योंकि वो पेरेंट्स के बिहेवियर में
चाहे अनकॉन्शियसली आया हो, बट वो चीजें दिख जाती हैं, बच्चा अपने तरीके से उनको इंटरप्रेट करता है, जिस वजह से किसी को सुपीरियोरिटी या किसी को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है बिकॉज ऑफ वो जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं या जो सोशल इंटरेस्ट है उसकी वजह से. ओके, सो इस कॉम्प्लेक्स को ओवरकम करने के लिए जरूरी है ऑप्टिमल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना, कि आप ऑप्टिमम रहें सारी चीजों के लिए, प्रॉपर हो, ऐसा ना हो कि किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को कम इंपॉर्टेंस मिल रही है. एक और नाम है जी एरिच फ्रॉम. ह्यूमन कंसर्न्स के बारे में इन्होंने बात की, फ्रूड का जो बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन था उसके अगेंस्ट जाके इन्होंने सोशल ओरिएंटेशन के ऊपर बात की. ठीक है, इन्होंने ह्यूमन बीइंग्स को सोशल बीइंग्स की तरह देखा और उनके रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश की. ओके, सो ही आर्ग्यूड दैट साइकोलॉजिकल क्वालिटीज जैसे ग्रोथ या रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल रिजल्टेड फ्रॉम अ डिजायर फॉर फ्रीडम या फिर स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस एंड ट्रूथ. तो सोसाइटी के लेवल पे जब आप फ्रीडम चाह रहे होते हैं, आप डिजायर है आपकी कि आप फ्रीडम मिले आपको, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ कर सकती हूँ, या फिर आप जस्टिस चाह रहे हो, सच चाह रहे हो, या जो भी आप रियलाइज करते हो चीजें कि कैसे बड़े होंगे, क्या बनना है आपको, तो वो सारी की सारी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज जो है वो किस वजह से है, फ्रीडम के लिए डिजायर होना या ट्रुथ या जस्टिस प्रिवेल करने वाली सिचुएशन तक जाना. ओके, इन्होंने ये बताया कि जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, जो हम पर्सनालिटी में बात की थी ना, ट्रेट्स या टाइप पर्सनालिटी की, तो जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस से डेवलप होते हैं, जो हम दूसरे लोगों के साथ करते हैं, यानी दूसरों के साथ जब आप इंटरेक्शन करेंगे तो वो सोसाइटी के लेवल पे चीजें आ गई. तो इन्होंने बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन की बजाय सोशल ओरिएंटेशन के ऊपर फोकस किया. ओके, उन्होंने रिकग्नाइज किया किसकी वैल्यू को, पॉजिटिव क्वालिटीज की वैल्यू को, कि कैसे जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमें टेंडरनेस की या लव की जरूरत है. तो वो पॉजिटिव क्वालिटीज जो है किसी भी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है. और मेजर चीज याद रखनी है कि इन्होंने सोशल बींग्स के ऊपर फोकस किया, यानी सोशल ओरिएंटेशन के ऊपर फोकस किया. एरिक एरिक्सन की अगर बात करें तो इन्होंने आइडेंटिटी की बात की, सर्च फॉर आइडेंटिटी. इन्होंने स्ट्रेस दिया रैशनल कॉन्शियस और ईगो प्रोसेस पे. पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो इन्होंने रैशनल चीजों पे फोकस किया. इनकी थियोरी में डेवलपमेंट को हम एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की तरह देखते हैं. ईगो आइडेंटिटी जो है उसको एक सेंट्रल प्लेस पे रखा गया, क्योंकि ईगो प्रोसेसेस या कॉन्शियसली जो आप चीजें कर रहे हैं उनके बारे में इन्होंने बात की. उनका जो कॉन्सेप्ट था आइडेंटिटी क्राइसिस का, जो हमने बात की थी, अगर आपने एरिक एरिक्सन की थियोरी देखी है तो एक बार देखिएगा. एरिक एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की थी एडोलेसेंट एज में, तो वो भी काफी अटेंशन उसको मिली थी. आज भी क्वेश्चन आइडेंटिटी क्राइसिस से रिलेटेड आते हैं. इन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि जो यंग पीपल हैं उनको एक सेंट्रल पर्सपेक्टिव जो है वो जनरेट करना चाहिए, ताकि किस डायरेक्शन में उनको जाना है, एक मीनिंगफुल सेंस ऑफ यूनिटी या सेंस ऑफ पर्पस जो है उनको मिल सके. ठीक है, तो साइकोडायनेमिक अप्रोच और ओवरऑल बात करें तो फ्रूड के अराउंड घूमता है. फ्रूड के अलावा जो फ्रूड के बाद पोस्ट फ्रूडियन अप्रोचेस जिन्होंने बात की, वो हमने ऑलरेडी कुछ एक थियरीज या कुछ एक साइकोलॉजिस्ट की बात कर ली. अब कुछ एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म जो है वो साइकोडायनेमिक थियरीज को देखने को मिला. क्या था ये थियरीज जो है वो केस स्टडीज पे बेस्ड है, तो कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है इनका कि आप प्रूव कर सकें कोई चीज. ओके, दे यूज स्मॉल एंड टिपिकल इंडिविजुअल्स सैंपल के तौर पे. इन्होंने मतलब बहुत एडवांस लेवल पे जनरलाइजेशन नहीं की, मतलब एडवांस लेवल पे जनरलाइजेशन इन्होंने कर दी, लेकिन वो बेस क्या था, बहुत छोटा सैंपल था. जब हम रिसर्च में पढ़ते हैं तो जितना बड़ा सैंपल होगा, मान लो एक तो मैं 5 बच्चों को देख के, जैसे अभी केरला स्टोरीज चल रहा है ना, वो कहानी 3 औरतों की है, लेकिन क्या बोल रहे थे 32,000 इतनी औरतों को जो है वो चेंज कर दिया वगैरह वगैरह. ठीक है, तो वो क्या है कि हमने बहुत बड़े लेवल पे जनरलाइज कर दिया, जबकि उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म होगा ना उस चीज का. तो थोड़े सैंपल छोटा था, अगर ये सैंपल जैसे केरला स्टोरीज में, अगर ये सैंपल एक्चुअल में 32,000 का होता तो बहुत होता है 32,000, राइट. लेकिन ये सैंपल था कितने का, रियल में ट्रुथ में देखा जाए तो 3 का था. सो वही चीज यहाँ पे है कि सैंपल इनका बहुत छोटा है भाई, स्मॉल सैंपल है, तो हम बहुत बड़े लेवल पे जनरलाइज नहीं कर सकते चीजों को. कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं किए गए हैं. साइंटिफिक टेस्टिंग जो है उनकी डिफिकल्ट है. और फ्रूड ने मेल्स को एक प्रोटोटाइप की तरह यूज किया पर्सनैलिटी, सभी ह्यूमन की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करने के लिए. उन्होंने फीमेल के एक्सपीरियंसेस, उनके पर्सपेक्टिव्स, उनको कोई भी जो है वो तवज्जो नहीं दी और उनको इंक्लूड नहीं किया. और इसी सेम चीज का जो है वो विरोध किसने किया था, कैरन ने, जो ऑप्टिमिज्म की बात कर रही थी ऊपर. ठीक है, सो ये जो है साइकोडायनेमिक अप्रोच हो गया हमारा. इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा. दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज.